पासा नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री सोमदत्त शर्मा का लिखा यह हिंदी नाटक। तो सुनिए नाटक पासा। लो फिर आ गए। कौन? अरे वही तुम्हारे दोस्त। तुम्हें कैसे पता कि वही हैं? अरे सुबह से 6 दफे तो पूछ गए हैं। 6 दफा पूछ गए हैं? अरे कोई काम था क्या? तुम ही पूछ लेना ना। मैं क्या पूछूंगा। आती हूँ। अरे आती हूँ। आए कि नहीं आए अभी तक? हाँ आ गए। सुबह के गए अभी आए। अब घर में ही कौन सा काम है जो सारे दिन यहीं बैठे रहे। आप ड्राइंग रूम में बैठिए, अंदर से बुला के लाती हूँ। ठीक है। अजी सुनते हो, वो आ गए हैं तुम्हारे दोस्त। अच्छा वहीं बैठाओ, मैं आता हूँ। अरे कौन कौन है? अरे वही हैं रसिकलाल। अब आओ भी, सब कुछ यही पूछ लोगे क्या? अरे तो चिल्ला क्यों रही हो, जा तो रहा हूं। चलो भाई अब तो चलना पड़ेगा। ये अरे भाई नबी लाल कहाँ छुपे हो? अरे अब इस उम्र में कहाँ जाकर छिपूंगा रसिकलाल, आ तो गया। और सुनाओ कहाँ से घूम कर आ रहे हो? अरे भाई मैं तो घर से ही आ रहा हूँ, तुम्हारा ही सुबह से अब तक पता नहीं है, कहाँ गए थे सुबह से? अरे जाना कहाँ था, ब्लॉक वालों ने सीनियर सिटीजंस की एक सोसाइटी बनाई है। अच्छा। वहीं गया था। सीनियर सिटीजंस की सोसाइटी? क्या होता है उसमें? होता क्या है, दीन दुनिया सबसे रिटायर हुए लोग आकर गपशप करके अपना टाइम पास करते हैं। सो यूं कहो अपना टाइम पास करने गए थे? अरे नहीं रसिकलाल, सोसाइटी के लोग साल में एक आध फंक्शन करते हैं। अच्छा। उसमें उन लोगों को सोसाइटी के लोग शॉल ओढ़ाते हैं। अरे वाह। जिन्होंने साल भर किसी ना किसी रूप में सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ किया हो। बहुत अच्छे। आज मुझे भी शॉल ओढ़ाया था उन लोगों ने। तुम्हें? पर तुमने ऐसा क्या किया था? मैंने? हाँ। नाटक खेला था उन लोगों के लिए। अरे इस उम्र में नाटक? हाँ यार। और सुनो, लिखा भी मैंने ही था। अरे भाई कमाल है, हमें पता ही नहीं। अच्छा सुनो, हाँ देखना हो तो कल शाम 7 बजे हॉल में आ जाना। अच्छा फिर से खेला जाएगा? अरे वाह वाह, जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा। जरूर आना। अच्छा अनुभवी लाल, चलता हूँ। अच्छा जैसा कि आपको पता है, अब सीनियर सिटीजन सोसाइटी के सालाना फंक्शन का आखिरी आइटम प्रस्तुत होने जा रहा है। मैं सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य और इस नाटक के लेखक और प्रस्तुतकर्ता अनुभवी लाल जी से कहूंगा कि वे मंच पर आएं और अपने नाटक के बारे में 2 शब्द कहकर आइटम पेश करने का कष्ट करें। श्री अनुभवी लाल जी आइए। मित्रों, ये नाटक एक रिटायर्ड आदमी के अनुभवों का निचोड़ है। ऑफिस का माहौल, बॉस को खुश रखने की चेष्टा मैंने यहां इस नाटक में दिखाने की कोशिश की है। नाटक की कहानी ऑफिस के इस दृश्य से शुरू होती है। Thank you.
आइए सर, आइए सर, इधर से आइए। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। ये आपकी टेबल है। एक मिनट रुकिए सर। दीनानाथ जी साहब, जल्दी आओ। जी साहब, जल्दी से साहब की मेज कुर्सी पर कपड़ा मारो। आज सुबह आते ही कर दिया था साहब। फिर से मारो, देखो ना कितनी गर्द जमी हुई है। हाँ जी, फिर से कर देता हूँ। कितना ही कपड़ा मार लो साहब, थोड़ी देर में गर्द सुसरी फिर जम जाती है। ये लीजिए साहब। अरे इधर रह गया है, इधर रह गया। हाँ, ये लीजिए साहब, ये लीजिए, इधर भी मारो। हाँ साहब। अब ठीक है? अब ठीक है। बैठिए साहब। ओके ओके, बैठिए। दीना जी साहब, तुम जाओ और साहब के लिए चाय ले आओ। जी साहब, अभी लाया। और सुनो जी साहब, पहले पानी दे जाना। अच्छा जी। और सुनो जी साहब, थर्मस ठीक से साफ कर लेना, और गिलास भी। जी साहब, पता नहीं कब से रखे हैं। सब व्यवस्था हम कर देते हैं बाबू साहब, आप चिंता मत कीजिए। अब तुम जाओ जाओ जाओ। जी साहब। बस दो चार दिन की और बात है सर, किसी तरह निभा लीजिए। ये पर्दे, फर्नीचर और क्रॉकरी सब पुराने हो गए हैं सर, सब बदलवा देंगे। आपकी पसंद जैसी हो बता दीजिएगा सर। ओके ओके। चाहे तो किसी दिन शाम को ऑफिस के बाद आप खुद साथ में चलिएगा सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ तो हाथ बदल लीजिएगा। लगता है साहब स्टाफ आपसे मिलने के लिए आया है। आइए आइए, आ मोनिका, आ जा, आ जा। अच्छा सबको बुला लो, साहब भी पूछ रहे थे, सबसे मिलना चाहते हैं जी। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते सर। ये मोनिका जी हैं जी। अभी थोड़े दिन पहले ही अपने ऑफिस में आई हैं। लेकिन साहब जितनी ये देखने में सुंदर है ना, उतनी काम में भी एफिशिएंट है, एकदम परफेक्ट। अच्छा अच्छा, गुड। पहले वाले साहब थे ना, तो आते ही इन्हें अपना पीए बना लिया था सर। अब पीए बनना इनका जॉब थोड़ी है सर, लेकिन साहब की मर्जी थी सो उनकी पीए बन गई। अरे काम करना है साहब, कहीं भी कर लें। लेकिन मैंने देखा है साहब, मोनिका भी उनका बड़ा ख्याल रखती थी। अरे ये डिक्टेशन लेती हैं? अरे साहब ये कहिए कि ये क्या नहीं कर सकती। डिक्टेशन, टाइपिंग, फाइलिंग, डायरिंग और स्माइलिंग सब कर लेती हैं साहब। अरे दीना कहाँ चला गया, अभी तक चाय लेकर नहीं आया। आपने तो अनुभवी जी खाली चाय के लिए कहकर भेज दिया था। अब सर का आज ऑफिस में पहला दिन है, स्टाफ के साथ खाली चाय थोड़ी पीते सर। विजय साहब मैं कहता था ना, मैं कहता था ना, मोनिका जी जो ना कर दें सो थोड़ा है। क्यों मोनिका जी? ओहो आप भी अनुभवी लाल जी, बस वो सर स्टाफ के और लोग भी बाहर खड़े हैं। हाँ हाँ सबको बुलाओ ना। जी हाँ बुलाओ सबको। जी जी। मेरा ख्याल है सर ये आपका ये चेंबर छोटा है, उधर कॉन्फ्रेंस हॉल में चलिए तो ठीक रहेगा, पूरे स्टाफ से परिचय भी हो जाएगा और चाय भी वहीं हो जाएगी सर। हाँ सर okay. ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आइए ना सर, इधर से। कहाँ से जाना होगा? सर इधर से आइए। आइए आइए सर, ध्यान से जरा। हाँ सुनिए, आप लोग भी हॉल में चलिए, सर वहीं आपसे मिल लेंगे। अनुभवी लाल जी आप जरा उधर की व्यवस्था देख लीजिए, मैं सर को ऑफिस दिखा लाती हूँ। बिल्कुल जी ठीक है। सर प्लीज आइए ना इधर से। आइए आइए। हाँ सर आइए प्लीज, इधर से आइए सर, आपको आपका ऑफिस भी दिखा देते हैं सर। सर ये हमारे अकाउंटेंट साहब का कमरा है। अच्छा। देखिए ना सर कितना सजा के रखा हुआ है। सर वैसे आपका कमरा भी वो आज आए हैं क्या? सर वो तो लंच के वक्त तक ही आ जाते हैं सर, उनको कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स रहती हैं। ओह आई सी। लेकिन सर बड़े भले आदमी हैं बेचारे। सर अब आगे चले। आइए सर। आइए। हाँ सर थोड़ा संभल के सर, यहाँ से आइए। ओ अनुभवी लाल, साहब को अकेले कहाँ भेज दिया मोनिका के साथ? अरे अरे साहब बस आते ही होंगे। अम्मा कितनी देर हो गई, तुम्हारा दीनानाथ भी अभी नहीं लौटा? अरे ऐसी भी क्या जल्दी है,
आता ही होगा। जल्दी बुलाओ भाई, और भी तो बहुत से काम है। आज और कौन काम कीजिएगा बाबू साहब, चाय पीजिए, मीठा खाइए और घर जाइए साहब से मिलके। वही तो हम भी कह रहे हैं, पता नहीं वो मोनिका हमारे साहब को कौन कौन सी जगह दिखा रही है अभी तक है। हेलो, अब बिल्डिंग कोई छोटा मोटा है कि इधर से जाए और उधर से निकल आए? थोड़ा टाइम तो लगता है ना बाबू साहब, आते ही होंगे वो लोग। बता रहे होंगे, आ रहे होंगे। और सर आइए इधर से। सर ये हमारी लाइब्रेरी है। अच्छा। और सर इसके भीतर एक दरवाजा देख रहे हैं ना सर आप, वो भी एक छोटा सा कमरा है सर। पहले वाले साहब को सर ये जगह बड़ी पसंद थी। क्या है इस कमरे में? वैसा तो कुछ नहीं सर, कोई आता जाता भी नहीं है, पर सर साफ सुथरी जगह है, कभी कुछ पढ़ने या आराम करने का मन हो इसलिए साहब लोगों के लिए खाली रख छोड़ी है। अच्छा अच्छा जी। ये फर्नीचर वगैरह इस कमरे में होगा ही? हाँ हाँ सर, जरूर होगा। ये देखिए ना सर, ये सब फर्नीचर। लेकिन सर मेरा ख्याल है अब तक स्टाफ तो कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुका होगा, तो उनसे मिल लीजिए सर, बाद में कभी देख लीजिएगा। ओके ओके, जैसी आपकी मर्जी। चलिए मोनिका जी, कहां से जाना होगा? सर यहां से थोड़ा सा छोटा सा रास्ता है। अरे भाई अनु हबीलाल, दीनानाथ को भेजकर बुलवाओ ना भाई। अब भाई आ रहे हैं दोनों। दोनों कौन? साहब और मोनिका मैम साहब, और कौन? आइए ना सर, आइए सर प्लीज। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। लगता है काफी देर हो गई आने में। कोई ज्यादा देर नहीं हुई सर। क्या हुआ, आपकी चाय आ गई या अभी कोई लेने गया है? आ गई सर, कहिए तो। सर सर सबसे पहले परिचय करेंगे या चाय पहले सर्व करवा दूं? दोनों साथ साथ होते रहेंगे, चाय के साथ कुछ और मंगवाया है या? सर साथ में समोसा है, मीठा भी है। ठीक है ठीक है। अच्छा पहले मीठा और समोसे सबको दो और फिर चाय। दीनानाथ। हाँ जी साहब, ये लो शुरू कर ले। हाँ हाँ, पहले साहब के सामने रखो। अनुभवी लाल जी जी, कितने लोग हैं हमारे ऑफिस में? सर अपने स्टाफ में पीए है और एक चपरासी है, एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सब मिलाकर यही कोई 60 लोगों का स्टाफ है सर। राइट राइट। अच्छा ये बताइए अनुभवी लाल जी कि आपके पास क्या काम है? सर मैं स्टोर इंचार्ज हूँ। सर चाय पीजिए ना, काफी देर से ठंडी हो रही है, लीजिए सर। ये आपके अकाउंटेंट नहीं दिख रहे हैं जी? वो सर मैंने बताया ना सर, वो लंच के बाद तक आ जाते हैं। हाँ। उन बेचारों के साथ तो जो हुआ भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। वैसे सर बड़े ही भले आदमी हैं हमारे अकाउंटेंट साहब। हाँ जी जी। पर मोनिका जी लंच का समय काफी पहले निकल चुका है, वो थोड़ी देर बाद ऑफिस बंद होगा। ये लंच का समय कब होता है उनका? पता नहीं सर, आज क्यों नहीं आ पाए? वैसे सर बड़े ही भले आदमी हैं हमारे अकाउंटेंट साहब। सर आप समोसा लीजिए ना सर, खास देवकी नंदन की दुकान से मंगवाया है सर। देवकी नंदन जी? ये देवकी नंदन कौन है? बड़ी मशहूर दुकान है सर। अच्छा, वो चौक के पास है। कोई आदमी बाहर से आए और देवकी नंदन की दुकान पर ना जाए तो समझिए उसका यहाँ आना बेकार हो गया सर। अरे ये लीजिए सर, आप जिन्हें याद कर रहे थे ना वो अकाउंटेंट साहब भी आ गए। आइए आइए अकाउंटेंट भाई, आइए आइए आइए, इधर आइए, ये साहब के पास बैठिए ना, इधर को इधर को। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ, तो आप है यहाँ के अकाउंटेंट? सर आपकी इच्छा से। सुना काफी परेशानी में है आप इस समय, ऑफिस भी मुश्किल से आ पाते हैं। घरेलू परेशानियों का क्या है सर, सबके साथ रहती हैं, लेकिन इसमें ऑफिस का काम थोड़े ही सफर होना चाहिए सर। मैं कहता था ना साहब,
हमारे अकाउंटेंट साहब जैसा आदमी तो मिलना मुश्किल है जी आज के जमाने में। जी सर, इनके रहते क्या मजाल कि कभी किसी का काम या दिक्कत किसी आदमी को हुई हो। क्यों दीनानाथ जी? हाँ जी सर, कभी नहीं हुआ सर। और स्टाफ के लिए तो सर आधी रात को भी हाजिर रहते हैं हमारे अकाउंटेंट साहब। अब देखिए ना साहब, आज आपको ही देख लीजिए कितनी परेशानियों में घिरे हैं हमारे अकाउंटेंट बाबू। लेकिन क्या मजाल जो ऑफिस में एक दिन भी नागा हो जाए। अब यूं तो कभी कभार देर सवेरे हो जाए वो अलग बात है सर। हम तो साहब हर समय स्टाफ की खिदमत में लगे रहते हैं। पता चला आप आ रहे हैं तो तुरंत घर का काम छोड़कर आपसे मिलने चले आए। पर मेरा आना तो पहले से ही तय था अकाउंटेंट साहब, फिर देर क्यों हो गई? हाँ। यही कहना चाहते हैं ना सर? बिल्कुल। तो सर हम भी इतने भुलक्कड़ तो नहीं हैं कि आदमी की जरूरत को ना पहचानते हों। आप सर इतनी दूर से आए हैं, फिर अकेले आए हैं, सामान भी कम ही होगा। अब हम ये तो जानते ही हैं कि एक आदमी को ठीक से रहने के लिए क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए। बिल्कुल। सर सारा इंतजाम करके आए हैं यहाँ। सारा इंतजाम कर भी दिया और क्या, ऐसे ही देर थोड़ी हुई है हमें आने में। देखा देखा साहब, देखा मैं कहता था ना, नंबर वन आदमी है हमारे अकाउंटेंट साहब। वाह वाह, चाय लीजिए। समोसे अच्छे ना साहब? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। अब अच्छे अच्छे करते रहोगे कि चटनी भी दोगे? हाँ लीजिए ना साहब, ये लीजिए। खट्टी लेंगे या मीठी? दोनों चटनी दे। चलिए ठीक है, एक समोसा भी दे ना। अरे चाय गरम है? हाँ एकदम गरम है साहब। हाँ दे दे, ये लीजिए ये लीजिए। थैंक यू। ये क्या दीना, कुल्हड़ में चाय देगा? कप प्लेट नहीं है क्या दफ्तर में? अरे टूट गए ना साहब, कितनी बार तो कहा है स्टोर बाबू से मंगवा दो, लेकिन नहीं साहब, सरकार का पैसा है, लुटाने के लिए थोड़ा ही है। अब हम भी क्या करें साहब, चपरासी जो ठहरे। क्यों अनुभव लाल जी? देखिए वो अभी मीटिंग के बाद निकलेंगे तो बाजार से खरीद लेंगे। हफ्ते भर के भीतर ऑफिस का नक्शा ना बदल दिया तो कहिएगा, बस हाथ ना रोकिएगा। साहब क्या कहेंगे? अरे साहब को क्या सोचना है, स्टोर के इंचार्ज आप हैं साहब, जिस चीज की जरूरत हो रहनी चाहिए स्टोर में। बिल्कुल। अब यहाँ से सब जल्दी चाय वाय खत्म करो और सीधे चौक की ओर चलो, साहब को भी तो दिखाना है ना मार्केट। आप नहीं चलेंगे क्या? हम तो चलेंगे ही, पर जरा जल्दी करो, मोनिका जी को भी साथ ले लेना, उनका घर भी उधर ही है ना। जी जी, चलिए सर, चलिए मोनिका जी। मगर बाकी लोगों से परिचय? ओफो साहब, आप तो नाहक परेशान हैं। अब वो सब मिलते ही रहेंगे, वैसे भी सबके जाने का समय हो गया है। कोई जाएगा बस में, कोई जाएगा ट्रेन में, फिर चाय तो पी ली है सबने आपके साथ सर। सर आज तो आप मार्केट देख लीजिए और जिस चीज की जरूरत हो संकोच न कीजिएगा सर। आखिर हम भी जानते हैं कि अकेले आदमी को क्या क्या दिक्कतें होती हैं। सर गैस स्टोव देख लीजिए, ऑफिस की कैंटीन का पुराना हो गया है, वहां भी काम आ जाएगा। अनुभव लाल जी, रात का समय है, खाना तो हो जाएगा, पहले तो सोने की व्यवस्था करनी जरूरी है। साहब कहाँ सोएंगे, कैसे सोएंगे, ये तो सोचिए। लेकिन आप तो कह रहे थे कि इंतजाम करके आए हैं। वो आज का तो हो गया है सर, होटल में व्यवस्था हो गई है, लेकिन मकान तो लेना ही पड़ेगा ना सर। क्यों मोनिका जी? जी सर, सर वो मेरे बराबर के बराबर वाला मकान खाली हुआ है सर। सर आप कहें तो। हाँ हाँ, बात कीजिए, रहने को जगह तो चाहिए ही ना, जो किराया होगा दिया जाएगा। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। तो सर समझिए कि हो गया। वैसे सर आप चाहें तो आज ही देख सकते हैं। अरे देख लेंगे, पहले खाना तो खा लो। हाँ, ना? हाँ, क्यों, क्या ख्याल है सर? As you wish. आइए, अरे इसी रेस्टोरेंट में बैठ लेते हैं, आइए आइए ना सर। आइए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ओके ओके।
बैरा, बैरा। जी सर, क्या लेंगे सर? मोनिका जी देखिए इनके मेनू में क्या क्या है। हाँ जी सर, आप नॉन वेज लेते हैं या? आई एम प्योरली वेजिटेरियन। ओह अच्छा। सुनो बेरा। जी मैडम। देखो पहले चार टोमेटो सूप ले आओ और उसमें क्रीम वगैरह ठीक से डलवाओ। बहुत अच्छा। और क्या लेंगे सर? ओहो मोनिका जी, मेन्यू आपके हाथ में है, सब क्या बताएंगे। स्वीट डिश जरूर रखिएगा। हाँ, बाकी आप देख लें। या बोलते जाइए बोलते जाइए। क्यों सर? आज मोनिका जी जो खिलाएंगी हम खाएंगे। यस सर, यस सर। ये बात हुई ना सर, अब लग रहा है कि आप अपनों के बीच में ही आ गए हैं। सर इतनी देर से आप संकोच में थे तो हम सब भी कुछ दबा दबा सा महसूस कर रहे थे। हाँ सर। ओहो मोनिका जी, आदमी को खुलने में थोड़ा समय तो लगता है ना, फिर बॉस को भी तो अपने स्टाफ को समझना होता है। जल्दी मंगाइए, खा के जल्दी चला जाए, साहब को घर भी तो देखना है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ तो बेरा, दो मिक्स्ड वेज, दो रायता कर देना, एक पुलाव, दो दाल फ्राई और चार आइसक्रीम। हाँ, 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 ले आओ जल्दी से। ठीक है ना सर, या कुछ और भी? ये डिपार्टमेंट मोनिका जी का ही है सर। पहले वाले सर भी शुरू में बिल्कुल आप ही की तरह थे, फिर खुले तो ऐसे खुले कि बस खुलते ही चले गए। क्यों मोनिका जी? जी सब कुछ बता देते थे सर, घर की बाहर की सुख की दुख की, और सर कभी किसी चीज की जरूरत होती थी तो भी संकोच नहीं करते थे। अब सर हम सब तो एक परिवार की तरह ही तो हैं। आप भी सर जब जैसी जरूरत हो तुरंत बता दीजिएगा। हाँ सर। फिर सर अब तो मैं आपकी पड़ोसिन भी तो हूँ। Exactly. परेशानी हो सर तो आधी रात को भी फोन कर दीजिएगा। लीजिए सर, मैं कहता था ना मोनिका जी एक तरह से हम लोगों की लोकल गार्जियन समझ लीजिए सर। सबकी चिंता करती है बेचारी। क्यों अकाउंटेंट साहब? सर भी सब समझ जाएंगे। आइए सर, सीढ़ियां हैं। मोनिका जी सर को जरा। नहीं नहीं, आई विल मैनेज, डोंट वरी। चलिए सर, मेरा हाथ पकड़िए ना सर। आइए सर, सीढ़ियां थोड़ी छोटी छोटी है ना सर। आइए ना सर, इधर को सर। सर सर बस आ गए हम लोग। तो सर ये है आपका घर सर। कितने कमरे हैं इसमें? टू रूम सेट है सर। किचन है, अटैच बाथरूम है सर। पर किराया कितना है? सर घर अच्छा है, किराया कितना भी हो आपके लिए क्या फर्क पड़ता है सर? घर तो अच्छा है, लग रहा है किसी बड़े अफसर का घर है। यस सर। ठीक है मोनिका जी, आप इसे फाइनल कर दीजिए। जी क्यों अनुभव लाल जी? हाँ और क्या, पसंद ना आए तो बदल दें। हाँ, वैसे कब से मिलेगा मोनिका जी? कब से क्या सर, अब तो ये आपका ही है, यहाँ किसी चीज की भी कमी नहीं है सर। देखिए ना सर, वेल फर्निश्ड है। वो तो मैं देखता ही हूँ। जी जी सर, हम क्या समझते नहीं है सर, अकेले आदमी को कितनी दिक्कतें आती हैं सर। वैसे अकाउंटेंट साहब और स्टोर बाबू ने सब व्यवस्था ठीक कराई है मकान मालिक से कहकर। इसे मकान मालिक कौन है इसका? यूं समझिए सर, आप ही हैं। हाँ। मतलब ये सर के मकान मालिक विदेश में रहता है, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी मोनिका जी की रहती है। पहले वाले बॉस भी यहीं रहते थे सर, आप भी यहीं रहिए। जी हाँ सर, अब कहाँ जाइएगा सर इतनी रात में? लेकिन वो होटल उसे कैंसिल करा देते हैं सर, यहाँ रहना है तो अभी से ही क्यों ना रहा जाए। खामखा एक रात का पेमेंट वहाँ क्यों दे? ये भी ठीक है, पर वो सामान? अरे वो मैं ड्राइवर के हाथों अभी भिजवा देता हूँ, एक अटैची तो है ना। आप कुछ कह रहे थे? तो सर अब रात काफी हो गई है, आप भी आराम कीजिए सर, थक गए होंगे। और सर
किसी चीज की जरूरत हो ना सर, तो सर वो मेरा घर आपके बिल्कुल वो सामने वाला है सर, बता दीजिएगा। तो अब आराम कीजिए सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। सर शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तो साहेब, इस तरह आपने देख लिया कि कैसे ऑफिस कर्मचारियों ने पासा फेंक कर अपने बॉस को वश में कर लिया। अरे इसी वशीकरण का ही प्रभाव था कि पूरा ऑफिस इन तीन कर्मचारियों के भरोसे पर चल रहा था। यहां किसी की भी नहीं चलती थी सिवाय इन तीनों के। मैंने अपनी जिंदगी में कई दफ्तरों में काम किया है, सब जगह यही देखने को मिला। सिर्फ नाम बदलते थे, थीम यही देखता था। हर थीम में अजीब वशीकरण का जादू था। मेरा ख्याल है कभी ना कभी आपने भी इस जादू का प्रभाव जरूर देखा होगा। पासा नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्री सोमदत्त शर्मा का लिखा हिंदी नाटक सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नीरज शर्मा, सरला मेहता, पीएल राजदान, सुनील कुमार लोहिया, एसपी इलाहाबादी, बीआरएल सक्सेना, जगदीश दुआ, राकेश कुमार शर्मा और पल्लवी भारती।